सो गाइज आज हम सीखेंगे कि मोबाइल फोन से एसी का तत्काल टिकट किस प्रकार से बुक किया जाता है। अगर आपने एसी का तत्काल टिकट अपना मोबाइल फोन से बुक करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए काफी खास होने वाला है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वो करना कि IRCTC रेल कनेक्ट का जो एप्लीकेशन है, सिम रखो, IRCTC रेल कनेक्ट एप्लीकेशन आपको ओपन कर लेना है। तत्काल एसी का टाइमिंग आप सबसे पहले जान लीजिए, नहीं तो आप तत्काल टिकट बुक नहीं कर सकते हो। सो फ्रेंड देखिए, तत्काल एसी का टाइमिंग होता है सुबह की 10 बजे, जस्ट सुबह की 10 बजे टिकट बुक होना स्टार्ट होता है। तो गाइस आप ये मत समझना कि 10 बजे स्टार्ट होता है तो 10:20, 30 मिनट, 40 मिनट बाद भी टिकट मुझे मिल पाएगा, ओके। जस्ट 10 बजे टिकट बुक होता, हो सकता है कि 30 सेकंड के अंदर ख़त्म हो जाए, हो सकता है कि आधा घंटे के अंदर हो जाए, हो सके कि 2 घंटे के अंदर भी ख़त्म हो सकता है। इस रोड पर कितना भीड़ है आप नहीं जानते हो, जो रोड पर ज़्यादा भीड़ रहता है उस ट्रेन में तत्काल टिकट बहुत फास्ट बुक हो जाता है, और जो रोड पर बहुत यानी कि भीड़ कम होता है उस रोड पर तत्काल टिकट काफ़ी ज़्यादा टाइम आप लोगों को मिल पाएगा, ओके। तो चलिए मैं आपको बुक करना सिखाऊंगा। तो गाइस इससे पहले आपको करना क्या होगा, देखिए तत्काल टिकट बुक करने से पहले आपका जो नेम है आप मास्टर लिस्ट पर आप सेव कर लीजिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगा, आप तत्काल टिकट किसी को सेल नहीं कर सकते। और आपने खुद ट्रैवल करना चाहते हो तो आप खुद आप बुक कर आप जा सकते हो। अपना फैमिली मेम्बर में कोई हो, घर का लोग, तो आप टिकट बुक कर आप दे सकते हो उनको। बट आप तत्काल टिकट मोबाइल से बुक कर किसी को सेल नहीं कर सकते हो, नहीं तो रेलवे आपके ऊपर कार्रवाई करेंगे और आपसे काफ़ी ज़्यादा फाइन भी लगाएंगे, ओके। तो ये काम आपको करना नहीं है, ओके। आप तत्काल टिकट मोबाइल फ़ोन से बुक कर किसी को भी सेल नहीं कर सकते हो। तो चलिए मैं आपको बताऊंगा आपके लिए और आपका फैमिली मेम्बर के लिए आप कैसे तत्काल टिकट बुक कर सकते हो भी एसी का। इसके लिए आपको करना क्या, देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ देखिए आपको करना क्या, देखिए आपको अकाउंट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे कि आपने अकाउंट वाला ऑप्शन पे क्लिक करोगे, आपको करना क्या है, देखिए लिखा है माई मास्टर लिस्ट, तो आपको माई मास्टर लिस्ट को जस्ट क्लिक कर देना है। तो गाइस देखिए यहाँ पे मैं ऑलरेडी 2 नेम सेव करके रखा हूँ, तो तत्काल टिकट बुक करने से पहले आपको 2 नेम को यहाँ पे सेव करके रखना है। तो 2 नेम आप कब सेव करोगे, देखिए तत्काल टिकट एसी का जो टाइमिंग है सुबह 10 बजे स्टार्ट होता है बुकिंग। तो गाइस आप क्या कीजिएगा, 10 बजने से 15 मिनट या तो 20 मिनट पहले यानी कि 10:30 बजे आप नेम को यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा, और एक साथ में आप 4 ही तत्काल टिकट बुक कर सकते हो, 4 से ज़्यादा आप टिकट नहीं बुक कर सकते हो। इसके लिए आपको करना क्या होगा, देखिए ऐड पैसेंजर पर आपको क्लिक कर देना है। अब भी आपको करना है कि आपका जो नेम है आप अपने पे नेम दे दीजिएगा, ओके। तो कैसे मतलब आप अपने पे नेम दे दीजिएगा, जैसे कि आप अपना नेम दे दोगे उसकी बाद आपका जो डेट ऑफ बर्थ है आपका डेट ऑफ बर्थ दे देना है, ओके। जैसे कि आपने डेट ऑफ बर्थ दे दोगे उसके बाद मेल फीमेल आप सिलेक्ट करोगे, जैसे कि मेल फीमेल सिलेक्ट करोगे देखिए आपका जो डेट ऑफ बर्थ है यानी कि आपका आईडी प्रूफ के ऊपर जो है सेम ही देना है, यानी कि आपके आधार कार्ड के ऊपर, पैन कार्ड के ऊपर, जो भी गवर्नमेंट आईडी प्रूफ के ऊपर जो है वही देना है आपको, आलतू फालतू कुछ भी मत देना है। आपका जो नेम है, नेम कहने की एक भी ऑड मिसमैच नहीं होना चाहिए, नहीं तो TTA आपसे फाइन लेंगे, ओके। आप ये देख लेना है। अभी तक बर्थ परफॉर्मेंस पर क्लिक करने के बाद तो गाइस सिंपल आप ज़्यादातर नो परफॉर्मेंस क्लिक करने से क्या होता है कि आपका टिकट कंफर्म होने का चांस ज़्यादा रहेगा। अपने यहाँ पे लोअर बर्थ अपर बर्थ सिलेक्ट करोगे तो गाइस आपका टिकट कंफर्म होने के चांस बहुत कम रहेगा। समझो कोई ज़्यादा भीड़ वाले रोड में आप टिकट बुक कर रहे हो तो उस केस में गोल गोल घूमते रहेगा, आपका टिकट बुकिंग फेल हो जाएगा, पेमेंट भी कट हो जाएगा। तो गाइस आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे नो परफॉर्मेंस पे क्लिक करके रखिएगा तो ही अच्छा है। आपको लोअर बर्थ मिडिल बर्थ में सीट चाहिए तो आप सिलेक्ट कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करते हैं, ओके। देखिए सिंपल अभी ऐड पैसेंजर पे क्लिक करोगे, ओके पे क्लिक करूँगा, फूड सिलेक्ट करने को बता रहा है। तो गाइस सिंपल आप जो भी नॉन वेज वेज जो भी फूड रखना चाहते हो तो रख सकते हो, मैं यहाँ पे नो फूड पे क्लिक करूँगा, ऐड पैसेंजर पे क्लिक कर दूँगा। देखिए जैसे कि मैं ऐड पैसेंजर पे क्लिक कर दूँगा, यहाँ पे देख सकते हो भाई एक पैसेंजर ऐड हो गया। इस प्रकार से देखिए ये काम आपको 10 बजे से 15 मिनट पहले आपको काम कंप्लीट कर लेना है, ओके। तो गाइस सो गाइस समझो कि अपने मास्टर लिस्ट पर नेम को सेव कर दिया, उसके बाद आपको एप्लीकेशन को क्लोज कर देना है।
और देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, 10 बजने से 3 मिनट पहले आपको एप्लीकेशन ओपन कर लेना है, 3 मिनट पहले हो 2 मिनट पहले आपको एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है, इस प्रकार से मैं ओपन किया। ओके, तो बस फॉर्म टू कहाँ जाना चाहते हो ये भी आप दे दीजिएगा। उसके बाद सिर्फ कोटे पे सिलेक्ट करने के बाद तत्काल पे क्लिक कर देना है। डेट तो आप यहीं पर दे ही दोगे, अब इसमें सर्च ट्रेन पर क्लिक कर दोगे। समझो कि कल जाना चाहते हो, जैसे कि आज सुबह तत्काल टिकट बुक करोगे तो कल के लिए टिकट बुक होगा। ओके, ये भी डाउट आपको क्लियर कर दूंगा, 24 घंटे पहले आप तत्काल टिकट बुक कर सकते हो। इस प्रकार से देखिए काफ़ी सारे ट्रेन के यहाँ पे इस प्रकार देखने को मिल जाएगा। तो गाइस सिंपल देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, 9:59 पे भी आपको पे क्लिक नहीं करना है। समझो कि 10:00 देखिए, जैसे कि 10:10 जैसे कि समझो 10 बजने के साथ ही से आपको देखिए एसी का टिकट बुक करो तो एसी पे क्लिक कर दोगे। इस प्रकार से जैसे कि इस प्रकार से क्लिक करोगे तो देखिए ग्रीन कलर के यहाँ पे अवेलेबल देखने को मिल जाएगा। ओके, जो ट्रेन में आप टिकट बुक करना चाहते हैं वो ट्रेन के एसी के ऑप्शन पे क्लिक कर देना। जैसे कि क्लिक करोगे देखिए अवेलेबल करके इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा, नीचे रेट भी आपको पता चलेगा। तो आपको करना क्या होगा, देखिए समझ के 10:00 आप इस जैसे कि फिर आपको करना क्या होगा, अवेलेबल के ऊपर क्लिक कर देना है। देखिए नीचे देखिए पैसेंजर डिटेल्स पर आपको क्लिक कर देना है, कन्फर्म पर क्लिक कर देना है। और देखिए जो मास्टर लिस्ट के बाद जो नेम को मैं सेव किया था वो नेम यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। देखिए ओके पे क्लिक करूँगा, देखिए राकेश कुमार जो मैंने नेम सेव किया था, देखिए और जो नेम है ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गया। देखिए इसके ऊपर टिक करूँगा, सिलेक्ट पैसेंजर पे क्लिक कर दूंगा, मुझे नेम लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे ऑटोमेटिक तो नेम आ गया ना, पहले से मैं ऐड कर रखा था इसलिए मुझे बेनिफिट होगा, मैं जल्दी टिकट बुक कर पाऊँगा। तो वह समझो कि 10:01 हो चुका है सब करते करते, अब इस नीचे की और आ जाना। देखिए आप पेमेंट मेथड तो सिलेक्ट कीजिएगा, भीम यूपीआई में सिलेक्ट करूंगा, इंश्योरेंस को यस कर दूंगा। आपको ये काम जल्दी करना है, ओके 10:01-2 के अंदर ही पूरा फुल क्लियर करना, पेमेंट वगैरह सब कुछ क्लियर कर देना। ओके, मुझे कंफर्म सीट चाहिए तो कंफर्म में क्लिक करूंगा, देखिए रिव्यू जर्नी डिटेल्स पे क्लिक करूंगा। ओके, तो गाइस अभी भी देखिए अभी अवेलेबल 93 सीट यहाँ पे शो होने लगा। तो गाइस अब भी आपको करना है कि सिम देखिए इंटर कैप्चा यहाँ पे जो कैप्चा लिखा है देखिए सेम कैप्चा आपको फटाफट भर देना। ओके, फटाफट भर देना आपको यहाँ पे, लेट मत करना आपको। सर देखिए जैसे लिखा छोटा एक्सप्लेनिंग हो बड़ा में जो भी जैसे इस प्रकार से आपको सेव करना है, पॉलिसी टू पे करना है। अब भी देखिए फाइनल पेमेंट मेथड आ जाएगा। तो गाइस अब भी आपको पेमेंट कर देना है, गूगल पे फोन पे यूपीआई आप कहीं से भी पेमेंट कर सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं, फोन पे से करना चाहते हो फोन पे, देखिए पेटीएम हो गया, तो आप अपनी सबसे पेमेंट कर देना है। जैसे कि आपने पेमेंट कर दोगे, पेमेंट करने के साथ ही साथ आपका टिकट बुक हो जाएगा। ओके, तो गाइस 10:01-2 के अंदर ही आपको ये काम कंप्लीट कर लेना है। इस प्रकार से आप टिकट बुक कर सकते हो, फर्स्ट टिकट इस प्रकार से आप बुक कर सकते हो। बुक किया हुआ टिकट आपको कहाँ देखने को मिलेगा, सिंपल आपको देखिए बैक चलाना है, एकदम बैक चलाना, देखिए माई ट्रांजेक्शन, तो माई ट्रांजेक्शन पर आपको चला आना है। जैसे कि माई ट्रांजेक्शन पे चला आओगे, अभी देखिए ऊपर माई बुकिंग्स पे क्लिक करोगे तो गाइस आपको यहाँ पे नहीं शो हो रहा है, देखिए अपकमिंग टिकट एक भी है नहीं, इसके लिए शो नहीं हो रहा है। आपने जो टिकट बुक किया वो टिकट यहाँ पे शो होने लगेगा, देखिए कंप्लीट बुकिंग पे दिखा देता हूँ। इस प्रकार से आपको टिकट देखने को मिल जाएगा, देखिए यहाँ पे सिंपल स्टेटस बुक किट करके देखने को मिलेगा, तो इसके ऊपर जस्ट आप क्लिक कर दोगे। जैसे कि आपने क्लिक करोगे यहाँ पे, देखिए आपने जो टिकट बुक किए हो वो टिकट के PNR नंबर आपको पता चलेगा, देखिए सीट नंबर भी पता चलेगा कि CNF करके देखने को मिलेगा, देखिए S93 नंबर है, S94 नंबर है, S95 नंबर, इस प्रकार सीट नंबर भी आपको पता चल रहा होगा। ओके, तो वही देख सकते हो, इस प्रकार से आप तत्काल टिकट फर्स्ट बुक कर सकते हो। आपने टिकट बुक कर रहे हो तो इस प्रकार से मोबाइल फ़ोन से बुक करोगे तो आपको 100% टिकट बुक हो जाएगा। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जो रूट का टिकट आपने बुक कर रहे हो सबसे मेन चीज़ आपको यही देखना है कि उस रूट पर वेटिंग टिकट कितना है। समझो कि 200-300 भी वेटिंग है तो उस ट्रेन में आपको टिकट मिलने के चांस बहुत कम रहता है, तो भी आप ट्राई करके देखना। ओके, हो सकता है कि एसी का टिकट भी निकल जाए। ओके, तो गाइस अगर आपने स्लीपर का टिकट बुक करना चाहते हो तो सुबह 11 बजे स्लीपर का टिकट कैसे बुक करना है इसके ऊपर भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, वो वीडियो की भी आप देख सकते हैं। ओके, तो गाइस आपका डाउट क्लियर कर दिया हो मैंने, मोबाइल फ़ोन से किस प्रकार से तत्काल टिकट बुक कर सकते हो। तो गाइस तत्काल टिकट बुक करना काफ़ी इजी है, इस प्रकार से आप ऐसे का टिकट घर बैठे बैठे आप अपना मोबाइल फ़ोन से आप बुक कर सकते हो। सो फ्रेंड आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा, ये वीडियो आप लोगों को ज़्यादा से भी अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक करना है, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। चले आज के लिए इतना ही, फिर मित्र नेक्स्ट और एक इंटरेस्टिंग वीडियो पे।